सीरियल नामकरण में नील और अवनी अपनी अपनी तरह से लगे हैं सच का पता लगाने में, विद्युत और गुरु माँ की नई साजिश को फेल करने में। तभी तो आज अवनी ने खुफिया तरीके से नील के नाम लिखा है एक लेटर, जिसके जरिए वो नील को नीला माँ की किडनैपिंग की खबर देना चाहती है। आइए नील से जानते हैं कि अवनी ने इस लेटर में आखिर लिखा क्या है। मतलब अवनी ने लेटर भेजा था, उसमें अवनी ने लेमन से लिखा हुआ था पूरा। तो वो क्योंकि इतनी स्मार्ट है कि मैं ही समझ सकता था कि वो, मैं पहले उसे जलाया, उसे आग के ऊपर रखा, फिर मैंने देखा जब वो उस पर वर्ड्स विजिबल हुए तो उसमें लिखा था कि नीलम्मा जो है वो विद्युत के कब्जे में है, एंड आई गेट शॉक्ड, एंड एटलीस्ट मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही पता लग जाती है कि नीलम्मा जो है कब्जे में है, तो मुझे बचाना है। अवनी का लेटर मिलने के बाद नील हो जाते हैं बेचैन और फिर नील प्लान करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब नील से ही जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के पीछे आखिर उनकी प्लानिंग क्या है। मैं अवनी को हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, वेरिन मैंने पहेलियों में अवनी को ये बताने की कोशिश की है कि मुझे पता लग गया कि नीलम्मा किडनैप हो चुकी है और उन्हें बचाने जा रहे हैं। जैसा नील ने सोचा था वैसा हुआ भी। जेल के अंदर नील की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती हैं अवनी और नील के बोले हुए क्लूज को समझने की कोशिश भी करती हैं। अवनी का लेटर मिलने के बाद नील कर रहे हैं कोशिश कि किसी तरह नीला माँ को विद्युत के चंगुल से बचा लिया जाए। तभी तो नील रचते हैं ढोंग शराब के नशे में चूर होकर घर लौटने का, ताकि इसी बहाने नील को मिल जाए छुट्टी और वो नीला माँ की हेल्प करने जा सके। मैं शराबी की एक्टिंग कर रहा था, जो कि किसी को नहीं पता लगा था, ना ही विद्युत को, ना ही वहाँ के बाउंसर्स को, ना मेरे पुलिसमैन को साथ में, ना मेरी फैमिली को। तो मैं वो एक्टिंग कर रहा था ताकि विद्युत जो है मुझे एक हफ्ते की एक छुट्टी टाइप दे दे, ताकि मैं जाके नीलम्मा को बचा सकूं। एक तरफ जेल में गुरु माँ हर रोज अवनी को दे रही है धमकी पर धमकी, वहीं दूसरी तरफ नील है जो नीला माँ को बचाने की कर रहे हैं हर मुमकिन कोशिश। अब देखना ये है कि नील कैसे करते हैं विद्युत के खेल का दी एंड। ज़ारा खान, E24।